विराट हिंदू सम्मेलन में शिरकत करने के बाद आज रिटायर मेजर जनरल जीडी बख्शी जैसलमेर से दिल्ली के लिए प्रस्थान कर गए। जैसलमेर में मीडिया से बात करते हुए जीडी बख्शी ने कहा कि पाकिस्तान और चीन को लेकर अब सख्ती दिखाने की जरूरत है। चीन पाकिस्तान को मोहरा बना रहा है, लेकिन भारत चीन और पाकिस्तान दोनों का मुकाबला करने में सक्षम है। बख्शी ने कहा कि पिछले 30 सालों से पाकिस्तान हमसे छेड़खानी कर रहा है, अगर हम इसे रोकना चाहते हैं तो झटके से काम करना होगा। अब बातों का समय नहीं, कुछ करने का वक्त है। जम्मू कश्मीर में सैनिकों और आम नागरिकों की रोजाना होने वाली मौतों पर बख्शी ने कहा कि कश्मीर को लेकर सरकार का स्टैंड स्पष्ट होना चाहिए, जबकि नौकरशाही ऐसा होने नहीं दे रही। कश्मीर इशू में सिर्फ एक बात सॉल्व करने की है साहब, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कब दे रहा है, पीरियड। एक इशू सॉल्व करने का है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जो कि उसका गैर कानूनी कब्जा है, वो कब खाली कर रहा है, और हमको उसके ऊपर पड़ना चाहिए, ना कि बचाओ रक्षात्मक होना चाहिए।